मेरी क्रिसमस भाई, सांता ने तो अपनी तैयारी कर ली है। सारे गिफ्ट्स रैप हो चुके हैं, स्ले यानी बग्गी लोड हो चुकी है और उनके जीपीएस में आ चुका है आपका एड्रेस। ध्यान से सुनिए, शायद आपको जिंगल बेल्स की आवाजें भी आ रही होंगी। क्या अभी भी आप क्रिसमस मूड में नहीं है? वरी नॉट, हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी 5 फिल्में जिन्हें आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और इंस्टेंटली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं ऐसी दुनिया में जहां सैंटा है, एल्व्स है और है क्रिसमस मैजिक। हर जिंदगी प्रेजेंट्स द क्रिसमस बेल। मूवी नंबर 1, होम अलोन। वेल, बच्चे, बूढ़े और जवान, ये मूवी सबके लिए है। एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली जो वेकेशन पर निकलती है, एक छोटा सा नटखट पर बहुत ही क्यूट बच्चा केविन जो घर पर छूट जाता है और 2 खतरनाक चोर। सही प्लॉट है ना? आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, केविन की हरकतें आपको स्क्रीन से चिपका कर रखेंगी। भाई पिज्जा ऑर्डर हो रहे हैं, बिस्तर पर आइसक्रीम पार्टी चल रही है और पापा का आफ्टर शेव लोशन भी ट्राई हो रहा है। और जब चोर दरवाजे पर आ जाते हैं तो केविन कैसे अपने इंजीनियस तरीकों से घर के साथ साथ क्रिसमस को भी बचा लेता है। Well, Home Alone is a must watch. अगर आपने देखी नहीं है तो जरूर देखिए और अगर देखी हुई है तो एक बार और देख लीजिए। मूवी नंबर 2, Nightmare Before Christmas. प्ले बटन दबाइए और तैयार हो जाइए एक नई दुनिया में जाने के लिए। ये दुनिया है हैलोवीन टाउन, एक ऐसा शहर जहाँ हैलोवीन मनाया जाता है। अब हैलोवीन टाउन का एक बंदा है जैक स्केलिंगटन, जो एक दिन बिना पासपोर्ट, बिना टिकट एक दूसरे शहर क्रिसमस टाउन पहुंच जाता है। वहां पे उसे ये क्रिसमस फेस्टिवल इतना पसंद आता है कि वो सांता को ही किडनैप करने का प्लान बना लेता है। जी हाँ, अब सारी कहानी यही सुन लोगे तो देखोगे क्या। मूवी नंबर 3, एल्फ। सांताज लिटिल हेल्पर्स जो पूरे साल गिफ्ट बनाते हैं और उनमें से एक है बडी। आप एंथू कटलेट जानते हैं किसे कहते हैं? वो बड़ी है। सांता का नाम सुनते ही इनकी वॉल्यूम कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस एक्साइटेड केस को 30 साल के बाद ये रियलाइज होता है कि वो दरअसल एल्फ नहीं, ह्यूमन है और फिर शुरू होती है उसकी खोज अपनी बायोलॉजिकल फैमिली को ढूंढने के लिए। एल्फ में कॉमेडी है, ड्रामा है और इमोशन तो कूट कूट के भरा है। मूवी नंबर 4, पोलर एक्सप्रेस। स्टीम इंजन, स्नो और सांता, और क्या चाहिए। पोलर एक्सप्रेस इज अ विजुअल डिलाइट, लेकिन इसके साथ साथ है इसमें बहुत सारी पॉजिटिव मैसेजिंग, दोस्ती की इंपॉर्टेंस, खुद पर यकीन रखने की सीख, करेज एंड काइंडनेस की बातें। तो हो गया ना एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और लर्निंग की लर्निंग, तो है ना इसे देखना फायदे का सौदा। मूवी नंबर 5, हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस। ये कहानी है खड़ूस की। हाँ, एक ऐसा खड़ूस जिसे क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा शहर उससे डरता है, उसे विलन समझता है और वहीं दूसरी ओर है सिंडी लू जो उसके अंदर के इंसान को एक मौका देना चाहती है। लेकिन ये कहानी है पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में भी। सिर्फ दुकानों में लगे लाइट्स, डेकोरेशंस और गिफ्ट से क्रिसमस नहीं होता। क्रिसमस तब होता है जब हमारे दिलों में भी रोशनी होगी। आई बात समझ में? और ये सारी इंग्लिश मूवीज देखने के बाद भी आपका मन ना भरा हो तो संजीव कुमार और विनोद मेहरा की फिल्म शानदार लगाइए और साथ साथ गुनगुनाइए। आता है सांता क्लॉज आता है, एक हिरन की बग्गी में गीत सुनाता आता है, ओ, ओ,